ज्योग्राफी के एमसीक्यू सेशन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ब्रह्मणी रिवर के बारे में पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रह्मणी रिवर, और पूछ रहा कौन सा करेक्ट है। तो पहला है ब्रह्मणी इज ए सीजनल रिवर इन द तेलंगाना, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ब्रह्मणी सीजनल रिवर तेलंगाना में नहीं उड़ीसा में है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो पहला हम कट कर दें तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड बोल रहा है द टुगेदर विद द रिवर्स महानदी एंड बैतरणी इट फॉर्म्स ए लार्ज डेल्टा बिफोर इम्पटिंग इन टू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन बी एंड डी। तो इसमें से जो है करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है चाबार पोर्ट से। चाबार पोर्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, द हिंदू आर्टिकल में भी काफ़ी आया हुआ था। तो इसमें पूछ रहा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। बोल रहा इट इज़ लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमन। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये ईरान में डेवलप किया जा रहा है गल्फ ऑफ ओमन के पास में, ताकि इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो सीधे जो है ईरान के थ्रू वो मिडिल ईस्ट मिडिल एशिया वाले जो रीजन हैं कंट्री हैं या यूरोप वाले हैं उनके साथ हो सके मजबूत। ठीक है, और सेकेंड है इट इज़ ऑपरेटेड बाई इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद ईरानियन पार्टनर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे हम मैप में अगर देखें तो ये ईरान है। ठीक है, और यहाँ चाबार ईरान, ये इंडिया है, ये ईरान है, और ईरान के यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमन के पास चाबार पोर्ट जो है डेवलप किया जा रहा है, ताकि इंडिया की कनेक्टिविटी सीधे यहाँ से जो यूरोप कंट्री है उनसे हो सके। नेक्स्ट हमारा जो है कि रिवर के से ही रिलेटेड है, कावेरी रिवर के ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि काबनी, हेमावती, सिमसा, इंद्रावती एंड वंशधरा, कौन सा इसमें से कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। तो स्टार्टिंग के तीन जो हैं काबनी, हेमावती एंड सिमसा जो है कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है एक, हम जैसे कि न्यूज़ में हम पढ़े हैं कि जो उड़ीसा वाला तट है यहाँ पे बहुत दूर दूर से टॉर्टोइज आते हैं, और यहाँ पे एक देते हैं, एक की फिर हैचिंग होती है, और ये एक देने के बाद ये टॉर्टोइज क्या होते हैं वापस चले जाते हैं, और हैचिंग के बाद इनके बच्चे जो हैं वो निकल के फिर अपने नेटिव प्लेस को पहुँच जाते हैं। तो ये कैसे जो है अपने प्लेस को पहुँचते हैं इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिया हुआ, पहला दिया है दे आर गाइडेड बाय द ओशन करंट, सेकंड दिया है दे रिमेंबर स्मेल ऑफ बीच एंड इट्स इकोलॉजी, थर्ड है दे रिले ऑन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू फाइंड देयर द वे होम। तो सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड से जो है अपने होम को पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, एनिमल बिहेवियर के बारे में है। पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेकिंग ए सॉर्ट ऑफ द एनिमल बिहेवियर। ठीक है, तो लेकिंग एक एनिमल बिहेवियर है जिसमें क्या होता है कि जब मेटिंग पीरियड आता है तो मेटिंग पीरियड में मेल जो है फीमेल के साथ सामने एक ऐसा जो उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक बिहेवियर शो करते हैं जिसको लेकिंग बोलते हैं। उसी के बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला बोला इट इज़ ऑब्जर्व ओनली द मैमल सच एज द ब्लैक बक्स, वनली यहाँ पे वनली लगा दिया, ऐसा हो सकता है क्या कि बस एक ही मैमल्स में जो है ये बिहेवियर हो। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। सेकंड वन लेकिंग इरोड जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को कैसे इरोड कर सकता है। ठीक है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को इरोड नहीं करता, बल्कि अगर यहाँ पे होता कि इंक्रीज करता है तो मे बी स्टेटमेंट करेक्ट होता। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन होगा हमारा डी करेक्ट, नाइदर वन एंड नॉट टू। नेक्स्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है आईएमडी वाज इस्टेब्लिश इन 1875। आईएमडी पता है कि ये बहुत ही ओल्ड जो है इंस्टीट्यूट है, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोला है कि आईएमडी इज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी इन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी एंड द एलाइड सब्जेक्ट। ये भी करेक्ट है कि जब भी अर्थक्वेक वगैरह आता है तो हमें ये न्यूज़ में आता है कि आईएमडी ने बताया कि कितना जो है कि फ्रीक्वेंसी थी क्या था। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड बोला आईएमडी डिटेक्ट एंड लोकेट अर्थक्वेक एंड इट इवेलुएट सिस्मोसिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अप फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
पेस्ट से रिलेटेड है ये, बोल रहा है कि व्हाइट स्टेम बोरर समटाइम्स सीन इन यूज नॉर्मली अटैक विच क्रॉप। देखो व्हाइट स्टेम बोरर जो है वो कॉफ़ी को अटैक करते हैं और कॉफ़ी की प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये एक वाइट, ये जो गोल्डन कैट के बारे में है, अभी रिसेंटली जो है गोल्डन कैट की कई सारी कलर की गोल्डन कैट डिस्कवर की गई हैं, तो उसी के बारे में पूछ रहा है और बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, इंडियन साइंटिस्ट फ्रॉम जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन हैव डिस्कवर्ड 6 कलर मॉप्स ऑफ गोल्डन कैट इन दिबांग वैली ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पर ये यहाँ पर डिस्कवर की गई हैं। दूसरा है, एशियाटिक गोल्डन कैट साइंटिफिक नेम कोटोपुमा टेमिकचकी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा न्यूज़ में था, इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, पहला है कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट एट द कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ प्रणहिता रिवर एंड गोदावरी रिवर दैट इज द कालेश्वरम विलेज इन तेलंगाना। देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इस प्रणहिता रिवर और गोदावरी रिवर पर ही बनने की वजह से इनिशियली इसका नाम प्रणहिता गोदावरी करके था, बाद में इसको कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में चेंज किया गया, ठीक है। तो सेकंड है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि अगर हम देखें तेलंगाना वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, ठीक है, तो नीचे से पानी को पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये काफ़ी बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ना कि इंडिया की वनली बट बल्कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो सेकेंड करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ए मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन द प्रणहिता रिवर इन द कालेश्वरम तेलंगाना। तो हमने ये पहले ही स्टेटमेंट में यहाँ देख लिया कि ये गोदावरी और प्रणहिता पे है, तो सेकंड थर्ड जो है इनकरेक्ट है, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, रिलेटेड है महात्मा गांधी नेशनल पार्क से, पूछ रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क जो लोकेटेड है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे जो है लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्लेशियर के बारे में पूछ रहा है और पूछ रहा है कहाँ पे ये लोकेटेड है। तो पहला है सियाचिन ग्लेशियर, दे रहा है कि ये उत्तराखंड में है, ये इनकरेक्ट है और पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर हमने कितना ज़्यादा पढ़ा है कि ये इंडिया और पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा इसमें जो है कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं इस ग्लेशियर को लेके। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, उत्तराखंड में नहीं है, तो पहला इनकरेक्ट है। दूसरा बोल रहा है पिंडारी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, पिंडारी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पिंडारी जो है उत्तराखंड में है, तो ये पिंडरी जो है उत्तराखंड में है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो गया। थर्ड बोल रहा है राथोंग, राथोंग बोला जम्मू एंड कश्मीर में है, ये सिक्किम में है, तो यहाँ पे तीनों जो है मैच नहीं है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नन, मतलब कोई इसमें से मैच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चागोस आर्किपेलागो के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है कि चागोस आर्किपेलागो एन इशू समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इस कन्फ्लिक्ट बिटवीन विच कंट्री। तो यूएस एंड यूके के बीच में कन्फ्लिक्ट है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब मॉरिशस जो है वो यूके की कॉलोनी हुआ करती थी, बाद में मॉरिशस ने सब कुछ तो मतलब कि डीकोलोनाइज कर लिया, छोड़ दिया, लेकिन ये जो चागोस आर्किपेलागो आइलैंड है इसको यूएसए को लीज पे दे दिया, ठीक है। तो इसी को लेके यूएस एंड यूके के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि अभी जो यूएन जनरल असेंबली है उनकी मेजोरिटी वोटिंग आई है कि इसको यूके को इसको यूएस को नहीं देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें लेके इसमें बस जानना है कि किसके किसके बीच में कन्फ्लिक्ट है, यूएस एंड यूके के बीच में। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ए सॉन्ग टाइटल हवा आने दे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो हम इसको जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री होगी, कोई इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड मिनिस्ट्री होगी, ठीक है। तो पहला बोला मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से, इससे कोई लेना देना नहीं हो सकता। सेकंड बोला मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, इससे भी नहीं लेना हो सकता है। थर्ड बोला जल शक्ति मिनिस्ट्री, एंड फोर्थ बोला द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो हवा आने दो जो कंपेन है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू द पोलावरम प्रोजेक्ट, जैसे कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट काफ़ी न्यूज़ में था, इसी तरीके से पोलावरम जो प्रोजेक्ट भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला है
पहला स्टेटमेंट है पोलावरम प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन द गोदावरी रिवर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये भी गोदावरी रिवर पे बनाया जा रहा है, और कालेश्वरम कहाँ, गोदावरी एंड प्रणहिता रिवर पे बनाया जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस याद रहे, ठीक है। सेकेंड बोला द प्रोजेक्ट हैज़ बीन अकॉर्डेड नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस बाय द यूनियन गवर्नमेंट, दिस इज द ऑल्सो ट्रू। एंड थर्ड बोला द रिजर्वायर कवर्स द पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये भी सही है कि ये जो पापीकोंडा नेशनल पार्क को भी कवर करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो करेक्ट है तीनों, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान से रिलेटेड पूछ रहा है सवाल, और पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है द जल शक्ति अभियान एम्स एट मेकिंग वाटर कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इरिगेशन इफिशियंसी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो जल शक्ति से कोई भी, जल से कोई भी कंपेन होता है तो उसमें इरिगेशन को कैसे जो है कि प्रमोट किया जाए, किसे इफिशियंटली वर्क किया जाए वाटर पे, तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है इन इंडिया द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान पंजाब तमिलनाडु आंध्र प्रदेश लेस वाटर स्ट्रेस्ड एज कम्पेयर टू द वेस्ट बंगाल उड़ीसा बिहार एंड द झारखंड, ऐसा पॉसिबल है क्या? हमें देखने को मिलता है कि राजस्थान बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस्ड में है, तेलंगाना वाटर स्ट्रेस्ड में है, ठीक है। तो ये तो जो वेस्ट बंगाल और बिहार है ये तो सीधे गंगा के पास में है, ठीक है, गंगा के है तो, और इधर से कोस्टल एरिया भी है, तो इनको वाटर की कमी तो हो नहीं सकती। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, वनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रिलेटेड टू ए टॉर्टोइस से, बोला है टॉर्टोइस कंसिडर्ड ब्यूटीफुल एनफ टू नेम्ड इम्प्रेस्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन। देखो इस साल अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है, जैसे कि एक पिट वाइपर की हुई है, ठीक है, गोल्डन कैट की हुई है, ऐसे ही एक टॉर्टोइस की हुई है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, डिस्कवरी जिस इतना मतलब ब्यूटीफुल है कि उसका नाम इम्प्रेस रखा गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज देख सकते हैं कि किस तरीके से इम्प्रेस्ड जो है लोकेटेड है। इसके पहले इंडिया में सिर्फ अपना इंडिया का नेटिव एक ही, इंडिया में बहुत सारे टॉर्टोइज माइग्रेट करके आते थे, ठीक है, लेकिन इंडिया का नेटिव टॉर्टोइज जो है बस एक ही टॉर्टोइज था। इस टॉर्टोइज की डिस्कवरी के बाद इंडिया में नेटिव टॉर्टोइज की जो संख्या है वो दो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइज, ठीक है। पहला बोला इट हैज़ बीन कैटेगराइज एज द क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय द IUCN। सेकेंड बोला दे आर नॉट फाउंड इन इंडिया। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है कि एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइज जो है इंडिया में नहीं मिलता। तो यही एक टॉर्टोइज था जो अभी तक इंडिया का नेटिव था, दैट इज द एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइज, जब तक कि इम्प्रेस्ड जो है डिस्कवर नहीं हुआ था। अब इम्प्रेस के डिस्कवर के बाद दो तरीके के टॉर्टोइज इंडिया के नेटिव हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली वन इज करेक्ट है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाटिक लायन के बारे में दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम देखते हैं। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एशियाटिक लायन, और पूछ रहा कौन सा करेक्ट है। पहला है फॉर द फर्स्ट टाइम द एंटायर जीनोम ऑफ एशियाटिक लायन हैज़ बीन सिक्वेंस्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम द CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, हैदराबाद ने इसको डिस्कवर किया है, ठीक है। सेकेंड बोला एट द प्रेजेंट द ओनली होम ऑफ द एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द गुजरात। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिलेटेड टू द जो है कि क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हर्बी बोर सेंसस इन द गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट में जिस तरीके से लायन की सेंसस होती है, ठीक है, एशियाटिक लायन की, उसी तरीके से वहाँ के हर्बी बोर्स की भी सेंसस होती है। तो पहला दिया है एवरी समर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गुजरात कंडक्ट ए हर्बी बोर सेंसस इन द गिर फॉरेस्ट। ये करेक्ट है, समर में ही कराया जाता है क्योंकि समर में बहुत सारी पत्तियाँ वगैरह पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो ईजिली जो हर्बी बोर्स को काउंट किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड है दिस ईयर एक्सरसाइज इज द पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इज द लास्ट हर्बीवोर सेंसस अहेड इन नेक्स्ट ईयर लायन सेंसस विच इज वंस इन 3 ईयर्स एक्सरसाइज। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये 3 ईयर्स नहीं होते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 5 ईयर्स में एक्सरसाइज होता है, मतलब कि 5 साल में एक बार हर्बीवोर की काउंटिंग होती है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन होगा हमारा ए करेक्ट। नेक्स्ट है रिलेटेड टू पूछ रहा है सेरेंगेटी नेशनल पार्क ही लोकेटेड इन, ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। कभी कभी इंटरनेशनल जो नेशनल पार्क जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं
वो जहाँ से वो इम्पोर्टेंट, जहाँ से कोई मान लो कि एनिमल या बर्ड्स कुछ माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ ये लोकेटेड है तंजानिया में, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ए। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट एज ए लिविंग एंटिटीज। तो एल सल्वाडोर ने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया कि फॉरेस्ट एक लिविंग एंटिटीज है, और ये जो मिडिल अमेरिका है उसमें एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा लगभग 85% जो है फॉरेस्ट लॉस हो चुका है। उसके बाद इसने रिकॉग्नाइज किया कि फॉरेस्ट एज ए लिविंग एंटिटीज, मतलब कि फॉरेस्ट को अगर कोई काटता है ठीक है, तो उसको पनिशमेंट वैसे मिलेगा जैसे एक ह्यूमन बींग को जो है कि थ्रेट हो जाने पे मिलती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मिडिल अमेरिका का पार्ट है एल सल्वाडोर। नेक्स्ट बोला, नेविगेशन कैपेसिटी ऑफ गंगा टू बी एनहेंस्ड बाय मल्टी मॉडल टर्मिनल्स एट द साहिबगंज एंड द हल्दिया एंड द नेविगेशनल प्रोजेक्ट एट फरक्का बाय 2019-20 अंडर विच प्रोजेक्ट। तो जल मार्ग प्रोजेक्ट के अंदर में ये प्रोजेक्ट है। तो ये फैक्चुअल करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जो है कि दुगोंग से रिलेटेड है और पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है दुगोंग के बारे में। पहला है, ए सेकेंड ऑर्फेन बेबी दुगोंग ऑल्सो नोन एज द सी काउ फाउंड स्टैंडर्ड ऑन सदर्न जापान बीच। देखो नया जो है कि सी काउ का एक जो है कि एक छोटा सा बच्चा मिला हुआ है, लेकिन ये जापान में नहीं, ये थाईलैंड के कोस्ट पे मिला हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बोला, इट हैज़ बिन नेम्ड जामिल मीनिंग ए हैंडसम सी प्रिंस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका नेम जामिल रखा गया क्योंकि ये उसका जिसका मीनिंग होता है हैंडसम सी प्रिंस। तो स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बोल रहा है कि कौन सा आयुषियन के मतलब के बारे में पूछ रहा है। पहला है, टू कंजर्व अवर ना वाइटल बायोडाइवर्सिटी, दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट व्हील्स ऑफ द लाइफ साइकिल, ठीक है। सेकेंड बोला, इट हेल्प्स द वर्ल्ड टू फाइंड पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन टू आवर मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये जो है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ठीक है इसको लेके आया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग है कॉटन कल्टीवेशन से, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉटन कल्टीवेशन। इसमें दो तीन स्टेटमेंट है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। फिर कॉटन ग्रो वेल इन द वॉर्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। तो ये हमें पता है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिया में कॉटन मोस्टली जो जो होते हैं वहाँ पे जहाँ वॉर्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे होते हैं। सेकेंड बोला है, 60 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इज एसेंशियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड बोला, कॉटन इज वनली ग्रोन इन द एलुवियल सॉइल, वनली ग्रोन इन द एलुवियल सॉइल। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉटन मोस्टली हमने देखा है कि जहाँ ब्लैक सॉइल होते हैं ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, लेकिन ब्लैक सॉइल में मोस्टली प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस ब्लैक सॉइल में ही ग्रो कर सकता है, और भी सॉइल में ये ग्रो करता है। तो सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, ठीक है। तो इस पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग। पहला है स्टेटमेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, विच ऑफ द एबव आर इमिशन फ्रॉम द कोल प्रोडक्शन एंड द थर्मल पावर प्लांट। ये यूपीएससी 2011 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन कॉमन है बोथ इन्वायरमेंट एंड द इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड द ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे तीनों जो गैस है ये निकाले जाते हैं थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी टू ऑफ द इन सी टू मेथड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द फ्लोरा। देखो कंजर्वेशन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इन सी टू कंजर्वेशन और दूसरा होता है इन सी टू कंजर्वेशन। इन सी टू वो होता है जिसके प्लेस पे वो जहाँ पे एनिमल प्लांट या फ्लोरा फौना है उनको वहीं पे कंजर्व कर देना, और इन सी टू होता है कि उस प्लेस से बाहर लेके जाओ और कहीं और पे उसको कंजर्व करो, ठीक है। तो इसमें बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत बड़े होते हैं, तो इनको उसी जगह पे कंजर्व किया जाता है।
नेशनल पार्क भी एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, लेकिन जो बोटेनिकल गार्डन है इसको जो है गार्डन लोग कहीं भी जाके ले जाके लगा देते हैं फ्लोरा को फौना को, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो जो है करेक्ट है कि ये इसमें पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द इथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट करेक्ट आंसर कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है शुगर कैन मोलेसिस आर द मेजर्स रिसोर्स फॉर द बायो इथेनॉल प्रोडक्शन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा है द सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी हैज बीन प्लान टू बी इस्टेब्लिश इन द स्टेट ऑफ द हरियाणा ओनली। ऐसा नहीं है देखो कि सेकेंड स्टेज जो है मोलेसिस कर रहे हैं शुगर के जो प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हरियाणा में बस नहीं है, ये लगभग 21 स्टेट में और 4 यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, तो ये हरियाणा में वाली नहीं हो रहा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इन करेक्ट है। ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, पूछ रहा कौन सा करेक्ट है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। पहला है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज ए स्टैटूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी स्टेबलाइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकेंड बोल रहा है क्राइम इंक्लूडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज द मैंडेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ऑप्शन होगा हमारा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग के बारे में बेसिकली इसमें नहीं है, ये बेसिकली कॉफ़ी के कल्टीवेशन से लेके बारे में है। तो पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। पहला है थ्री वराइटीज ऑफ कॉफ़ी आर ग्रोन इन इंडिया, नेमली अरेबिका, रोबोस्टा एंड लाइबेरिया। सेकेंड है रिसेंटली फाइव वराइटीज ऑफ इंडियन कॉफ़ी हैव बीन गिवन द जीआई टैग। ठीक है, तो दोनों ऐसा लग रहा है कि अपोजिट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे 5 को जीआई टैग मिला तो 3 ही कैसे ग्रो हो रहा है, लेकिन बेसिकली 3 ही ग्रो होता है मोस्टली, लेकिन कॉफ़ी की 5 वराइटीज़ को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो ये यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा करेक्ट हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेडिटेरेनियन सी बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बोला है कि मेडिटेरेनियन सी जो है कौन सी कंट्री को कौन सी कंट्री के द्वारा सराउंडेड है। पहला है जॉर्डन, इराक, लेबनान एंड सीरिया, इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसमें जॉर्डन नहीं होगा, तो जिसमें भी जॉर्डन है उसको हम कट कर दें। ठीक है, तो हम बोल रहे सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो हम मैप में थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है जॉर्डन, जॉर्डन के पहले यहाँ पे इसराइल और लेबनान आ जाता है, तो जॉर्डन तो होगा ही नहीं। ठीक है, जिसमें जॉर्डन हम उसको निकाल देते हैं। और उसके बाद जो दूसरा दिया है इराक, इराक तो यहाँ पे आ ही नहीं सकेगा ना, इंडिया पाकिस्तान इराक ईरान इराक, तो वो तो दूसरे साइड में हो गए, तो ये सेकंड ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इराक वाला भी। ठीक है, पहला दूसरा इनकरेक्ट है, तो लेबनान और सीरिया जो है सराउंडेड हैं, तो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा सी। नेक्स्ट है मेकादेतु मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट ऑन द, ये पूछ रहा है कि मेकादेतु मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है क्रिस पे बिल्ड किया जा रहा है, ये बिल्ड किया जा रहा है कावेरी रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट है बोल रहा है व्हाट आर द भेरीज, भेरीज क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है दे आर ट्रेडिशनल टैंक यूज फॉर द इरीगेशन इन सदर्न इंडिया। सेकेंड है दे आर टाइप ऑफ द एक्वा कल्चर फाउंड इन द वेस्ट बंगाल, तो ये करेक्ट है, भेरीज एक एक्वा कल्चर है जो वेस्ट बंगाल में मिलता है। एक्वा कल्चर में क्या होता है कि वाटर में ही जो है बिना सॉयल के ही प्लांटिंग करना, बिना सॉयल के ही जो है कि यहाँ पे ऐसे कुछ उगाना, जैसे मान लो फिश भी जो है कि फिश भी यहाँ पे पाले, तो इस तरीके से चीज़ें जो है कहाँ पे मिलती हैं, वेस्ट बंगाल में मिलती हैं, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथ्रोसाइट रॉक दैट सम वॉट मैच लूनार सॉयल इन कंपोजिशन एंड फीचर आर फाउंड इन द रीजन ऑफ द, देखो एंथ्रोसाइट जो ये रॉक होते हैं जो कि लूनार सॉयल पे मिले हैं, उनका जो है मैचिंग होती है वो सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में कुछ रॉक्स होते हैं उनके साथ ये मैच करता है, तो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट सी। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू गो फॉर द आर्टिफिशियल प्रेसिपिटेशन द प्रोसेस ऑफ द क्लाउड सीडिंग इज डन बाई विच यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स, तो पहला है कि ड्राई आइस, लिक्विड प्रोपेन एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। देखो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो क्लाउड होती है, क्लाउड में बारिश तब तक नहीं होगा जब तक उसकी सीडिंग नहीं होगी, सीडिंग तब होती है कि सपोज न्यूक्लियस बना, उसके अराउंड जो है कि सारे पार्टिकल्स आए, वो भारी हैवी हुआ और रेनफॉल हो गया। ठीक है,
तो ऐसे सपोज कई क्लाउड इन्वायरमेंट में, मतलब क्लाउड एटमॉस्फेयर में बना हुआ है लेकिन उसकी बारिश नहीं हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो उसके लिए ड्राई आइस या लिक्विड प्रोपेन को जो है यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन होगा करेक्ट हमारा यहाँ पे ए। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। पहला है कि विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी फ्रॉम द सतलजगंज टू कान्हालगंज ऑन द गंगा इन द बिहार इन द वनली डॉल्फिन सेंचुरी इन द कंट्री। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि रिसेंटली ये डेवलप किया गया, डॉल्फिन के लिए एक ही सेंचुरी है अभी तक। तो सेकंड है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इन इंडिया नेचुरल एक्वाटिक एनिमल। ठीक है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है सेकेंड भी। थर्ड बोला द गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इज फाउंड ओनली इन द गंगा रिवर एंड द ट्रिब्यूटरी इन द इंडिया। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ओनली गंगा में भी नहीं मिलती, ये ब्रह्मपुत्रा में भी मिलती है, नेपाल भूटान वाले एरिया तक भी ये पहुँचती है। तो सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला दूसरा जो है करेक्ट है, ऑप्शन होगा बी। तो ये हमारा आज का था टोटल जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो कि करंट के भी क्वेश्चंस को हैं, काफ़ी ज़्यादा करंट के क्वेश्चंस को भी इसमें हम सॉल्व किए। तो